भारत की तीनों सेनाएं रूस में एक साथ परेड करती हुई नजर आएंगी। यह पहला मौका है जब तीनों भारतीय सेनाएं मॉस्को के रेड स्क्वायर पर परेड करेंगी। यह घटना 24 जून को इतिहास में दर्ज होने वाली है। कहा यह भी जा रहा है कि इससे ड्रैगन यानी चाइना की चिंता बढ़ सकती है। विजय दिवस की परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। इस दौरान रूस के रक्षा मंत्री से खास मुलाकात होगी। पेश है एक खास रिपोर्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 75वां विजय दिवस 24 जून को ग्रेट विक्ट्री डे सैन्य परेड, इसमें भारतीय सेनाओं का दिखेगा दमखम। भारत की तीनों सेनाएं पहली बार रूस में करेंगी परेड। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होगी सामूहिक परेड। इतिहास में दर्ज होगी विजय दिवस की परेड। 75वें विजय दिवस पर होगा भव्य आयोजन। यह खबर हर भारतीय को रोमांचित करने वाली है। 24 जून को भारत की तीनों सेनाएं रूस में एक साथ भव्य परेड करती हुई नजर आएंगी। यह पहला मौका है जब हमारी तीनों सेनाएं मॉस्को के रेड स्क्वायर पर कदम से कदम मिलाएगी, तब यह परेड इतिहास में दर्ज हो जाएगी। इससे पहले भारतीय थल सेना की टुकड़ी ने वर्ष 2015 में परेड में भाग लिया था। इस साल की परेड के लिए रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता भेजा था, लेकिन पीएम मोदी कोरोना वायरस महामारी के चलते रूस नहीं जा पा रहे हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह परेड में शिरकत करेंगे। बता दें कि यह साल नाजियों पर विजय की 75वीं वर्षगांठ है और यह जर्मनी के आत्मसमर्पण के जश्न के रूप में मनाया जाता है। अब 24 जून को ग्रेट विक्ट्री डे सैन्य परेड के हम सभी गवाह बनेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का 75वां विजय दिवस 24 जून को ग्रेट विक्ट्री डे सैन्य परेड। भारत रूस के साथ गहरे हैं सैन्य संबंध। इस परेड से बढ़ सकती है ड्रैगन की चिंता। चीन को लग सकता है बड़ा आघात। चीन को चुभेगा भारतीय सेना का दमखम। भारत चीन में सीमा विवाद को लेकर है तनाव। रूस हर साल विक्ट्री डे परेड का आयोजन करता है। हर साल 9 मई को यह परेड होती है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 9 मई को परेड टाल दी गई थी। इस परेड का आयोजन 1945 से हो रहा है। दरअसल हिटलर की नाजी सेना ने रूस की लाल सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को पिछले साल ही इस जश्न में शामिल होने का न्योता दिया था, जिसमें पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी। ऐसा माना जा रहा है कि भारत के रूस के साथ प्रगाढ़ सैन्य संबंधों के मद्देनजर चीन की चिंताएं बढ़ सकती हैं। भारत और चीन के बीच वर्तमान में सीमा विवाद को लेकर तनाव चल रहा है। इस परेड से संभव है कि चीन को आघात लग सकता है। चीन और अमेरिका के बीच इस समय तनातनी की स्थिति बनी हुई है। भारत के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। यही वजह है कि भारतीय सेनाओं का मॉस्को में दमखम का प्रदर्शन करना चीन को अच्छा नहीं लगेगा। भारतीय सेनाओं के सैनिकों का विक्ट्री डे की परेड में भाग लेना रूस के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और श्रद्धांजलि देने का प्रतीक होगा। जब देशभक्ति के लिए किए युद्ध की याद में हमारे जांबाज सैनिक नया इतिहास रचेंगे, तब ये सब ड्रैगन को फूटी आंख भी अच्छा नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।